अब तक आपने देखा मल्लिका ने हसन को चिराग में कैद कर लिया है और अब 500 साल बाद चिराग का असली हकदार अलादीन बगदाद में जन्म ले चुका है। अलादीन अपने लालची चाचा चाची की वजह से काला चोर बना है। ना जाने कैसी होंगी शहजादी यास्मीन। वजीर जफर शहजादी और शाही तख्त को हासिल करने के लिए जादुई चिराग को पाना चाहता है और इसके लिए जफर काले चोर यानी अलादीन का इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाता है। यह है उस काले चोर को जाल में फंसाने का चारा। अलादीन अमन दावत के मौके पर अपने बचपन के प्यार शहजादी यास्मीन से मिलने के लिए बेकरार है। कल मैं शहजादी से मिल कर रहूंगा। पर उसके चाचा चाची उसे नीले हीरे की चोरी के लिए भेजते हैं। अब आगे बरसों पहले अम्मी की दवाई के पैसों के लिए चाचा चाची ने चोरी करवाई थी और आज उनकी वजह से दुनिया की सबसे नेक औरत का बेटा बगदाद का सबसे बड़ा चोर बन चुका है। बोलिए जमींदार हबीबुल्ला। शहजादी यास्मीन, हमें इंसाफ चाहिए। हमने लगान हमेशा वक्त पर भरा है, फिर भी सरकार ने हमारा हीरा जब्त कर लिया। ये जरूर किसी की साजिश है। वो नीला हीरा हमारे मरहूम अब्बा की आखिरी निशानी है। आपके अब्बा हुजूर हमारे बादशाह सलामत बहुत ही भोले हैं। उन्हें किसी ने हमारे खिलाफ भड़काया है। हमने सारा लगान वक्त पर भरा है। महल में जरूर कोई है जो बादशाह सलामत के साथ धोखा कर रहा है। अगर आपके साथ वाकई में नाइंसाफी हो रही है तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको इंसाफ दिलाना हमारी जिम्मेदारी है, आपकी होने वाली सुल्ताना की जिम्मेदारी। शुक्रिया शहजादी। आपने वादा तो कर दिया लेकिन आप इंसाफ कैसे करेंगी, क्योंकि अभी तक तो आप सुल्ताना बनी नहीं है। हमें सुल्ताना होने का हक भले ही बाद में मिले पिती, लेकिन सुल्ताना होने का फर्ज हमें अभी निभाना होगा। लेकिन शहजादी, जब तक बादशाह सलामत और बेगम साहिबा हिंदुस्तान से वापस नहीं आ जाते तब तक आप संभल के रहिए, क्योंकि आज शाम को शाही जुलूस में आपकी पालकी निकलने वाली है। आज कोई खतरा मत उठाइएगा। नीला हीरा चुराना ही पड़ेगा। हमें हबीबुल्ला का नीला हीरा बचाना ही पड़ेगा। शहजादी, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे आपको फूल दे रहे हैं। और देखिए बच्चे कितने प्यारे हैं। शहजादी हाथ बाहर हिला लीजिए। हाँ, बहुत अच्छे। शहजादी अभी हाथ अंदर कर लीजिए, नहीं तो गहने सारी चोरी हो जाएंगे आपके। अलादीन कहाँ रह गया? क्या किस्मत है मेरी, वहां गुलबदन शहजादी को देख रहा होगा और मैं।
हमारी मदद करो ना, बहुत कसके बंदा हुआ है। अच्छा हाँ रुकी। बिंदी, बिंदी। शहजादी मैं अभी आई। हाँ अभी आई। जी चाची आपने बुलाया? घर पे सब ठीक है ना बेटा? हाँ, चूहे यहाँ से वहाँ हमेशा दौड़ते रहते। कसम सोने की अशर्फियों की, अब इतने से किराए में चूहे नहीं तो क्या घोड़े दौड़ेंगे? दौड़ने से चूहों को घर में बरकत लगी रहती है। तो ये सब बातें छोड़, हमारा एक काम कर दे, ये मेरे गुल्लू को ना शहजादी से मिला दे। अब चाची जी वो मैं क्या बोली थी? क्या हुआ, ये पकोड़े जैसा मुंह क्यों फुला लिया? देख बेटा, आजकल महंगाई तो देख रही है ना, रातों रात किराया बढ़ गया तो चूहे दौड़ते देखने के लिए भी आंखें तरस जाएंगी। ले जा बच्चे ले जा। कम कर जाना, चलो। शहजादी यास्मीन, पूरे बगदाद में अगर किसी के पास बेपनाह हुस्न और खूबसूरती है तो वो है गुल बदन। अरे आप एकदम से मत देखिएगा, कहीं मेरे हुस्न को देखकर आप बेहोश ना हो जाए। अरे पिंदी, ये शहजादी मेरे हुस्न को देखकर बेहोश तो नहीं हो गई? मेरी तरफ देखी नहीं है। अच्छा मैं देखती हूँ। ये लोग पहले से बेहोश है, इसका मतलब मुझसे पहले हीरा चुराने यहाँ कोई और आ गया है। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो शहजादी है ना, बहुत ज्यादा नाराज है तुमसे। क्यों? क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो ना, तो तुम्हारी खूबसूरती को देख के ना जल गई है अंदर से, बहुत ज्यादा नाराज है। वो क्या है ना, मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। अब मैं हूँ ही इतना हसी, अगर शहजादी परी है तो मैं भी परा हूँ। गुलबदन तुम ना जाओ अभी, शहजादी बहुत ज्यादा गुस्से में है। अलविदा शहजादी। अलविदा पिंदी। अच्छा पिंदी सुन ना, किराएदार नहीं हो तो तेरे जैसी। अब्बू अम्मी, शहजादी कहाँ चली गई? काला चूर
तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। ये कौन सा गाना है? अब है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर, वो भी तुम्हारी जैसी किसी नकल चिचुरनी के लिए। अरे मैं माफ करना। लड़की और चोरी, और मैं तो बस ये हीरा तो नकली है। नकली है। नकली? माशाल्लाह। काले चोर के बारे में जैसा सुना था बिल्कुल वैसे ही पाया। अब तुमसे बेहतर असली और नकली की परख कौन जान पाएगा? कौन है आप? एक शरीफ आदमी। शरीफ आदमी चोरों से मिलने कब से आने लगे? चाहते रहो, समझदार भी हो। जल्दी में भी हूं, अलविदा। जानना नहीं चाहोगे? आखिर ये शरीफ आदमी तुमसे मिलना क्यों चाहता है? मुझे आप जैसे शरीफ आदमी से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं। 10,000 अशरफियों में तो होगी दिलचस्पी मियां। मैं जानता था एक चोर दौलत की बात सुनकर रुकेगा जरूर। क्यों नहीं जानेंगे? आखिर एक चोर ही तो दूसरे चोर को समझता है। हम चोर नहीं हैं। यूं कहिए कि चोर तो हैं, पर छोटे चोर नहीं। सामने वाला समझदार हो तो बात करने में मजा आता है। अब तो मैं भी समझ गया हूं कि आप यहां हैं, इसका मतलब कि मुझे आपके लिए कुछ ना कुछ तो चुराना होगा। पर क्या? अगले जुमा तक तुम्हें हमारे लिए एक चीज चुरा कर काली पहाड़ी के पीछे हमसे मिलना हो। पर चुराना क्या है? वही जो आज तक कोई चुरा नहीं पाया। एक चिराग। क्या पता चला? यही कि जमींदार हबीबुल्ला सही कह रहे थे, महल में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और वो नीला हीरा जो उन्होंने सरकारी मालखाने में जमा करवाया था वो भी नकली था। तुम जानती हो पिद्दी, हम सच्चाई का पता लगाने ही वाले थे कि फिर वो
वो काला चोर वहां पर आ गया। बगदाद का मशहूर काला चोर, अब उनसे मिली? देखने में एकदम खुखार था ना? नहीं, दिखने में तो ठीक ही था, पर पिद्दी एक इंसान की परख उसकी शक्ल से नहीं, उसके कामों से होती है। अम्मी ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, मेहनत की, पसीना बहाए, कितने लोगों के ताने से। देखो देखो, गद्दार की बीबी जा रही है, बेशरम। पर अब मैं अम्मी को दुनिया की हर खुशी लाकर दे सकता हूं। 10,000 अशरफियों में तो होगी दिलचस्पी मियां। हमारा स्वाद सच होने वाला है, वही जादुई चिराग काला चोर हमारे कदमों में लाकर रख देगा। उस चिराग में ऐसी क्या खास बात है? इस खौफनाक जिन के जरिए हम बगदाद के बादशाह बनने वाले हैं। रुखसार बेगम, कसम लगे कि अशरफियों की एक अरसा हो गया, रोटी की तस्वीर तक नहीं देखी। अरे भाभी ये लीजिए और घर जाकर सब लोग मिलकर अच्छे से पेट भर खाना खाइए। हाँ, अरे रुखसार बेगम सलामत रहे, रुखसार बेगम सलामत रहे, सर बेगम। अम्मी अब रानियों की तरह रहीं। हमारा स्वाद सच होने वाला है, वही जादुई चिराग काला चोर हमारे कदमों में लाकर रख देगा। उस चिराग में ऐसी क्या खास बात है? इस खौफनाक जिन के जरिए हम बगदाद के बादशाह बनने वाले हैं। गीता जी, ऐसे कीजिए, ऐसे जीजू, ऐसे मुझे लड़के बनाती वाला आपने, ऐसे करो, ऐसे ऐसे हाथ करके, हाँ ऐसे ऐसे। ये भी कोई अंदाज है?
इससे अच्छा तो मेरा अंदाज था। चुप हो जाते, वरना तेरे अंदाज की मैं पूरे तल देनी है मैंने। तल के दिखा, तल के दिखा, पूरी तल तल। चुप करो। हमारा ख्वाब सच होने वाला है। 20 साल पहले जादुई चिराग का नक्शा जलाकर उमर ने जिस ख्वाब को हमारे बर्बाद कर दिया था, आज वही जादुई चिराग काला चोर हमारे कदमों में लाकर रख देगा। पर जीजू, उस चिराग में ऐसी क्या खास बात है? जहां का सबसे अजीम और शान और ताकतवर इंसान बना दे। ये हमें बगदाद का क्या, इस जहां का बादशाह बनाएगा। ये है जादुई चिराग का चिन्ह। जीजू, ये कितना बड़ा है। अकबर से भी बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसको तो रखने के लिए किसी खास जगह की तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी तो करनी होगी, लेकिन बगदाद के तख्त पे बैठने की तैयारी इस खौफनाक जिन के जरिए हम दाद के बादशाह जो बनने वाले। मगरिब का रेगिस्तान दुनिया की सबसे खतरनाक जगह। मेरे सर पर अम्मी की दुआओं का साया है, मुझे कुछ नहीं होगा। एक शहजादी पर बहुत सारी बंदिशें होती हैं, लेकिन ये लिबास पहनकर हमें ऐसा लगता है कि हम पर कोई बंदिश नहीं। अम्मी की खुशी और चिराग हमारा इंतजार कर रही है बसंती। अलादीन की इज्जत का सवाल है। मेरे यानी चिराग के रखवाले के रहते कोई चिराग तक पहुँचने की कोशिश करेगा तो उसे चिराग नहीं मौत मिलेगी। मगरिब का रेगिस्तान दुनिया की सबसे खतरनाक जगह। मेरे सर पर अम्मी की दुआओं का साया है, मुझे कुछ नहीं होगा। एक शहजादी पर बहुत सारी बंदिशें होती हैं, लेकिन ये लिबास पहनकर हमें ऐसा लगता है कि हम पर कोई बंदिश नहीं। अम्मी की खुशी और चिराग हमारा इंतजार कर रही है बसंती। अलादीन की इज्जत का सवाल है। मेरे
यानी चिराग के रखवाले के रहते कोई चिराग तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो उसे चिराग नहीं मौत मिलेगी, मौत। अब तक आपने देखा मल्लिका ने हसन को चिराग में कैद कर लिया है और अब 500 साल बाद चिराग का असली हकदार अलादीन बगदाद में जन्म ले चुका है। अलादीन अपने लालची चाचा चाची की वजह से काला चोर बना है। ना जाने कैसी होंगी शहजादी यास्मीन। वजीर जफर शहजादी और शाही तख्त को हासिल करने के लिए जादुई चिराग को पाना चाहता है और इसके लिए जफर काले चोर यानी अलादीन का इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाता है। ये है उस काले चोर को जाल में फंसाने का चारा। अलादीन अमन दावत के मौके पर अपने बचपन के प्यार शहजादी यास्मीन से मिलने के लिए बेकरार है। कल मैं शहजादी से मिल कर रहूंगा। पर उसके चाचा चाची उसे नीले हीरे की चोरी के लिए भेजते हैं। अब आगे परसों पहले अम्मी की दवाई के पैसों के लिए चाचा चाची ने चोरी करवाई थी और आज उनकी वजह से दुनिया की सबसे नेक औरत का बेटा बगदाद का सबसे बड़ा चोर बन चुका है। बोलिए जमींदार हबीबुल्ला। शहजादी यास्मीन, हमें इंसाफ चाहिए। हमने लगान हमेशा वक्त पर भरा है, फिर भी सरकार ने हमारा हीरा जब्त कर लिया। ये जरूर किसी की साजिश है। वो नीला हीरा हमारे मरहूम अब्बा की आखिरी निशानी है। आपके अब्बा हुजूर हमारे बादशाह सलामत बहुत ही भोले हैं। उन्हें किसी ने हमारे खिलाफ भड़काया है। हमने सारा लगान वक्त पर भरा है। महल में जरूर कोई है जो बादशाह सलामत के साथ धोखा कर रहा है। अगर आपके साथ वाकई में नाइंसाफी हो रही है तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको इंसाफ दिलाना हमारी जिम्मेदारी है, आपकी होने वाली सुल्ताना की जिम्मेदारी। शुक्रिया शहजादी। आपने वादा तो कर दिया लेकिन आप इंसाफ कैसे करेंगी, क्योंकि अभी तक तो आप सुल्ताना बनी नहीं है। हमें सुल्ताना होने का हक भले ही बाद में मिले पिती, लेकिन सुल्ताना होने का फर्ज हमें अभी निभाना होगा। हमारा स्वाद सच होने वाला है। वही जादुई चिराग काला चोर हमारे कदमों में लाकर रख देगा। उस चिराग में ऐसी क्या खास बात है? इस खौफनाक चिन्ह के जरिए हम बगदाद के बादशाह बनने वाले हैं। हमारा स्वाद सच होने वाला है। वही जादुई चिराग काला चोर हमारे कदमों में लाकर रख देगा। उस चिराग में ऐसी क्या खास बात है? इस खौफनाक चिन्ह के जरिए हम बगदाद के बादशाह बनने वाले हैं। मगरिब का रेगिस्तान दुनिया की सबसे खतरनाक जगह। मेरे सर पर अम्मी की दुआओं का साया है, मुझे कुछ नहीं होगा। एक शहजादी पर बहुत सारी बंदिशें होती हैं, लेकिन ये लिबास पहनकर हमें ऐसा लगता है कि हम पर कोई बंदिश नहीं। अम्मी की खुशी और चिराग हमारा इंतजार कर रही है बसंती, अलादीन की इज्जत का सवाल है। मेरे यानी चिराग के रखवाले के रहते कोई चिराग तक पहुँचने की कोशिश करेगा तो उसे चिराग नहीं मौत मिलेगी, मौत।